क्योंकि लगातार हम दर्शकों से बातचीत करते रहते हैं शो के जरिए भी और बाकी तमाम शो जो कि हम चैनल पर लेकर आते हैं। बाजार के उच्चतम स्तर पर ज़्यादा सस्टेनेंस की उम्मीद कम से कम निवेशकों को नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या इस उच्चतम लेवल को या इस हाई लेवल्स को बाजार सस्टेन कर पाएगा, इस हाई लेवल्स पर फिलहाल क्या प्रॉफिट बांध कर निकल जाना चाहिए। केस स्पेसिफिक रणनीति होगी, केस स्पेसिफिक सलाह भी होगी, लेकिन जब ऊंचे लेवल्स के टिकाऊ रहने की बातचीत आती है, इस तरह का बाजार भी है पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही न्यूज़ बेस्ड है, और वो जो मूवमेंट देखते हैं वो एक ही दिन की होती है, उसके बाद बाजार कोई और ट्रिगर पकड़ लेता है। क्या इस तरह की चाल हम लगभग बजट तक देखेंगे बाजार में, या आपको लगता है कि फिलहाल ये जो लेवल्स हैं अब थोड़े से टिकाऊ दिखाई दे रहे हैं और बाजार अब यहाँ पर हालांकि रेजिस्टेंस हो सकता है लो लेवल्स पर, लेकिन एक पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अभी भी हमें विश्वास नहीं है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अभी भी हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बाजार को लेकर के, और निरंतर इस साल की शुरुआत को छोड़ दीजिए, आप पिछले कई सालों का रुझान देख लीजिए, तो हमने बुरे समय पर भी अपने आप को संभाला और एक नया उच्चतम स्तर बनाया। कल एक नया सर्वोच्चम स्तर बना सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी अन्य सूचकांक को लेकर के कुछ। और जब FNO एक्सपायरी महीने की सर पर खड़ी हो और एक नया उच्चतम स्तर बन गया हो, ऐसे समय में बाजार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता और उठापटक, जिसे हम अंग्रेजी में वोलेटिलिटी कहते हैं कविता, ये हावी हो जाती है। और ये बाजार का नियम है। बाजार हमें तो यहाँ से और भी सक्षम लग रहा है। ये निर्भर करता है कविता के आप किस प्रकार के निवेशक हैं। और हम अक्सर ईटिनाउ स्वदेश के माध्यम के द्वारा शेयर बाजार सबका अधिकार जो मुहिम चलाई है, वहां पर एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शेयर बाजार में अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आपका दोनों हाथों से स्वागत है, और अगर नहीं है तो बाकी और विकल्प आप ढूंढ सकते हैं जहां पर आप सुरक्षित निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आमदनी या फिर आपको जो मुनाफा है वो भी उतना ही सुरक्षित नीचे की तरफ मिलेगा। तो बजट है, उसके पहले ये जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है, थोड़ी कमी है, मेघराज का आशीर्वाद जिस प्रकार से अनुमान था मौसम विभाग का, उस प्रकार से नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते अगले हफ्ते उसकी भरपाई हो सकती है। उसके पश्चात 10 जुलाई 15 जुलाई के बीच में इस नए वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तो बाजार हमेशा एक सर्वोच्च ऊंचाई बनाने के बाद इतिहास रहा है कि थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार करता है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया कविता, तो यहाँ से और भी ऊपर के पड़ाव देखना बाकी है। और मेरे ख्याल से हमें अब हमारे विश्वास को और भी मजबूत करना चाहिए, जहां तक हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार का सवाल है। गौरांग सर, ये वाकई बड़ा अच्छा लगता है, ये जो आशावादी नज़रिया है बाज़ार को लेकर आपका, और जिस तरह से उस यकीन को और मजबूती मिल रही है और जिस तरह से और पुख्ता होता जा रहा है, वो वाकई भारतीय बाज़ारों की एक अलग तरह की सफलता की कहानी और कामयाबी के नए कीर्तिमान की ओर देखने के लिए विवश करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रदीप जी को जोड़ते हैं, हमारे पहले कॉलर पटना बिहार से। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर, टाटा पावर शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। जी, ये वो गोरांग सर से मेरा प्रश्न है सर। ठीक है, पूछिए, किस भाव पे सर लिया टाटा, आपने? सर भाव का तो सर मतलब कि हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 100 शेयर है मेरे पास टाटा शेयर। ठीक है, आपने जो हमें क्वेरी भेजी है उसमें 454 रुपये भाव आपने लिखा हुआ है। हाँ, और ये वो डीबी रॉयल्टी की क्या है सर, वो है शायद अच्छा, वो है। डीबी रियल्टी, वो कुछ याद है आपको? वो सर 18 शेयर है, वो कल भाव याद नहीं है सर। अच्छा, भाव नहीं याद है, 80 शेयर हैं डीबी रियल्टी के। चलिए, ये आपने जो हमें क्वेरी भेजी है उसमें 205 का स्तर आपने बताया है, तो हम यही मान के चल रहे हैं। गौरांग सर आपके प्रशंसक हैं, आपसे ही सीधा सवाल है इनका, और प्रदीप जी जानना चाहते हैं टाटा पावर जो इन्होंने 454 रुपये पे ख़रीदा है, और डीबी रियल्टी जो कि उन्होंने 205 के भाव पे ख़रीदा है, इनमें क्या करना चाहिए इन्हें? पहले तो प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको भी जय श्री राम और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो प्रदीप जी, काफी लंबे समय से हमने टाटा पावर पर निवेश की राय निरंतर दी है, और जिस प्रकार से सरकार की नीतियों को लेकर के
बदलाव हो रहा है इस क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उभरता हुआ आया है और आने वाले भविष्य में उभरता हुआ दिखाई देगा। और हमें ये भी पता है प्रदीप जी कि जिस प्रकार से हमारे देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है दिन ब दिन, उस परिस्थिति को संबोधित करने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि आने वाले 3 से 5 साल में मेरे ख्याल से कम 350-400 GW से लेकर के 500 GW की नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ी जाएगी, जिसका फायदा सभी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों का और टाटा पावर को भी होगा। अनुमानित 550 के लक्ष्यांक हम निर्धारित करके चल रहे हैं प्रदीप जी। आने वाली जो तिमाही नतीजे आएंगे, मात्र एक नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे और अगले वित्तीय वर्ष के, तो एक सकारात्मक सा नजरिया है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत चल चुका है प्रदीप जी, तो शायद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार कर सकता है, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप निश्चिंत होकर के बने रहें। आपके पास संख्या के रूप में 100 शेयर है, अगर ये 400 के आसपास आता है, बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है, तो आपके पास निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के लिए, तो आप और भी जोड़ सकते हैं। किसी को अगर नया निवेश करना है तो उसकी भी हम राय देंगे। अब दूसरा प्रश्न था इनका डीबी रियलिटी के ऊपर। प्रशांत जी, तो कवरेज तो है नहीं डीबी रियलिटी के ऊपर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक कमजोर कड़ी है ये। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, अगर आप बैलेंस शीट पर नजर डालें तो इतना कुछ उत्साह डीबी रियलिटी को लेकर के सामने आता नहीं है। अगर रियलिटी सेक्टर में ही निवेश करना है तो हमारी जो खरीदारी की राय वो है प्रेस्टीज स्टेट्स के ऊपर। अन्यथा अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि अशोक लेलैंड भी एक बेहतर विकल्प है। इसके साथ साथ एनबीएफसीज में एल एन टी फाइनेंस एंड होल्डिंग कंपनी है, वहां पर खरीदारी की राय है। एक छोटी बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर भी आप चाहे तो लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपके ऊपर है अगर आपको करना है। बढ़ते हैं आगे और कुछ और सवालों को हम शामिल करते हैं। YouTube पर एक सवाल आया हुआ है नीरजा शर्मा जी का दिल्ली से, और इन्होंने रतनवीर प्रिसीजन पे अपना सवाल पूछा है। 100 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 150 के भाव पे रतनवीर प्रिसीजन का ये स्टॉक खरीदा हुआ है। इनका सवाल दोनों एक्सपर्ट से है, इन्होंने कहा है कि उन्हें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों राय चाहिए। और सबसे पहले जाहिर सी बात है कि ज़रा एक बार इस पे फंडामेंटल राय ले लेते हैं। और गौरांग सर, रतनवीर प्रिसीजन, ज़रा उस पे एक फंडामेंटल नज़रिया दीजिए, 150 की खरीद है। तो प्रशांत जी, ये कंपनी 2002 में स्थापित की गई थी और गुजरात में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है, फिनिश शीट्स, वॉशर, सोलर, रूफिंग, हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती हैं, और ज्यादातर इन सब ये जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं रतनवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग, ये ज्यादातर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से इनका जुड़ा हुआ है ताल्लुक। जिस प्रकार से आने वाले समय में विस्तार योजनाएं होगी उत्पादन क्षमता को लेकर के, उसका फायदा इन जैसी कंपनियों को बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि इनकी फिर ऑर्डर बुक काफी मजबूत होगी। भविष्य में जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की हैं और जो कारोबार को लेकर के विस्तार योजनाएं सामने रखी हैं, उससे लग रहा है कि शायद पूरा फायदा क्षमता विस्तार योजनाओं को लेकर के इस कंपनी को मिल सकता है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है मेरे ख्याल से, और कामकाज को लेकर के अनुमानित मैं ये कह सकता हूं प्रशांत जी के ऑर्डर बुक बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। अब ये देखना जरूरी होगा प्रशांत के किस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को लागू करके कम खर्च में ये ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करती है, ताकि उनके जो मुनाफे के, शुद्ध मुनाफे के मार्जिन है, वो सुधर सकते हैं। ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। तो कंपनी कामकाज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, और ऑर्डर बुक को लेकर के संभावित ये लग रहा है कि इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिलना चाहिए। एक टेक्निकल व्यू भी नीरजा जी की सवाल पे ले लेते हैं। आदित्य, जरा बताइए प्रिसीजन टेक का, माफ कीजिएगा, रतनवीर प्रिसीजन आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए आज स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ स्टॉक बढ़ रहा है। तो अच्छा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अच्छा इसको पिकअप किया अच्छे प्राइस पे। यहाँ से मुझे लगता है टेक्निकली टारगेट पहला बनता है 170 और दूसरा बनता है 180। तो बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया, राइड करें।
इस स्टॉक को।